हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल गाइस? टुडे आई एम शेयरिंग विद यू माय 3 month ओल्ड एक्सपीरियंस विद दिस शैम्पू एंड कंडीशनर। दिस इज़ मामा अर्थ प्रोडक्ट। मामा अर्थ के शैम्पू एंड कंडीशनर को यूज़ करने के बाद जो मेरा 3 month का एक्सपीरियंस रहा है, वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। देन गाइज, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। ये है मामा अर्थ का TTD शैम्पू विद TTD एंड जिंजर ऑयल फॉर डैंड्रफ फ्री हेयर। यानी इस शैम्पू का मेन मोटो है डैंड्रफ को हटाकर हमारे हेयर्स को डैंड्रफ फ्री करना। इसमें जिंजर ऑयल है जो स्कैल्प को नीट एंड क्लीन करते हैं। इसमें है टी ट्री ऑयल जो एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है, दैट फाइट अगेंस्ट द फंगस दैट कॉजेस डैंड्रफ एंड डस्ट विदाउट ड्राइंग योर स्कैल्प। एंड गाइस, विटामिन ई ऑयल भी है इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखता है। विटामिन ई होने की वजह से ये हमारे हेयर को रिड्यूस करता है, रिपेयरिंग एंड डैमेज को दूर करता है और स्मूथनेस देता है, ऐसा मामा अर्थ के प्रोडक्ट का दावा है। मामा अर्थ शैम्पू एंड कंडीशनर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को प्रेजेंट करते हैं और हेयर से डैंड्रफ को बहुत ही जल्दी निकालते हैं और ये बहुत ही जल्द वर्क करता है। और ये सारे शैम्पू एंड कंडीशनर डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड हैं। ऑल मामा अर्थ प्रोडक्ट गो थ्रू स्ट्रिक्ट टेस्टिंग टू इंश्योर दे आर एब्सोल्युटली सेफ फॉर यूज एंड ऑल आवर प्रोडक्ट्स आर कम्प्लीटली फ्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। क्या सच में ऐसा है? दिस प्रोडक्ट कंटेन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड मे चेंज कलर एंड फ्रेग्रेंस विदाउट लॉसिंग योर हेयर। इवन गाइज, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स कैन कॉज एंड ट्रिगर एग्जिस्टिंग एलर्जीज। तो गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं ये मिसलीडिंग इंग्रेडिएंट लिस्ट है। देन गाइज, ये 250 ml की बॉटल है, आप इस तरह से पुश कीजिए तो जो शैम्पू और कंडीशनर है आपके पाम पर, आपके हाथों पर आ जाएगा और जेंटली आप इसे अपने हेयर में लगाकर रिंस आउट कर लीजिए 2 से 3 मिनट रखकर। ब्ला ब्ला ब्ला, मैं और कितनी तारीफ करूँ, मुझसे नहीं हो रहा है। प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, इस शैम्पू को, इस कंडीशनर को आप यूज़ ना करें, आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और डैंड्रफ भी बिल्कुल नहीं निकलेगा। देन गाइज, और आप इसे यूज़ करने के बाद ही इसके सारे बेनिफिट्स जान सकते हो कि इस पर बेनिफिट्स हैं या नुकसान है। आपका पैसा जो है वो बिल्कुल वेस्ट जाने वाला है अगर आप इसे परचेस करोगे। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज गाइज आई यूज़ अ लॉट ऑफ प्योर एसेंशियल्स ऑयल एंड कुड नॉट स्मेल अ ड्रॉप ऑफ टी ट्री इन देयर। Only a fake lemon and aroma in this shampoo. After use the shampoo and conditioner, my hair is very brittle and dry. I can't tell you guys what is this my hair. My hair will be very very dry and lifeless. My dandruff did not even go. I will not recommend it using this shampoo. And guys, even with all these things, it is useless and fake. Mera experience yahi raha hai is shampoo ko lekar because my hair is very thick and long. बट इस शैम्पू को यूज़ करने के बाद माई हेयर हैज़ फॉलन आउट एंड आफ्टर यूजिंग दिस शैम्पू डज नॉट प्रिवेंट डैंड्रफ। आई यूज मदर अर्थ प्रोडक्ट लॉन्ग अगो बट वो मामा अर्थ हेयर फॉल ओनियन वाला किट था, वो काफ़ी ठीक था। उस शैम्पू को यूज़ करने के बाद मेरे हेयर्स को काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले थे, लेकिन ये शैम्पू ऐसा नहीं है। एंड गाइज, इफ़ योर हेयर इज़ लॉन्ग थिक एंड ड्राई एंड देयर इज ऑल्सो डैंड्रफ, सो डिड नॉट ट्राई दिस शैम्पू एंड कंडीशनर because using it will not remove dandruff our hair और ना ही स्कैल्प से ईचिंग जाएगी, because आपके हेयर बहुत ज़्यादा डल और ड्राई हो जाएंगे। अगर आप मामा अर्थ के TTD शैम्पू एंड कंडीशनर को स्पेशली इसलिए परचेस करना चाहते हो कि आपके हेयर में डैंड्रफ है और इस शैम्पू को यूज़ करने के बाद आपके हेयर डैंड्रफ फ्री हो जाएंगे, आप लोगों की गलत फहमी है, क्योंकि मामा अर्थ के इस प्रोडक्ट में ऐसे कोई भी इंग्रेडिएंट्स मौजूद नहीं है जो डैंड्रफ को रिमूव कर सके और आपके हेयर को डैंड्रफ फ्री कर सके। इसलिए मेरा मशवरा यही है कि ऐसे शैम्पू यूज़ करें जो परमानेंटली आपके डैंड्रफ को दूर कर दे और आपके हेयर को स्मूथ और शाइनी बना दे। गाइज, आफ्टर यूजिंग दिस शैम्पू एंड कंडीशनर माई हेयर इज़ वेरी डैमेज एंड डल। आई होप अगर आप इसे डैंड्रफ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपका डैंड्रफ रिमूव कर देगा। ऑयली हेयर वाले इस शैम्पू को एक बार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ऑयली हेयर वालों के डैंड्रफ भी बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं और वो स्कैल्प से चिपके होते हैं, तो हो सकता है ये शैम्पू उसे निकालने में मदद करे। और ड्राई हेयर वालों को मैं यही सजेशन करूँगी कि वो इस शैम्पू को ना यूज़ करें, क्योंकि डलनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है और हेयर फॉल भी बहुत होता है, और फिर हेयर फॉल होने लगे तो इसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। जिस तरह से मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के भी बाल गिरें। देन गाइज, इफ़ यू यूज दिस शैम्पू, हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस? प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोगों ने इस शैम्पू को यूज़ किया है और किन टाइप के हेयर्स पर इसे यूज़ किया है। कलर्ड हेयर के लिए ये शैम्पू नहीं है, क्योंकि कलर करने के बाद ही हमारे जो हेयर है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, और आफ्टर इस शैम्पू को यूज़ करने के बाद तो आपके सर में बाल ही नहीं बचेंगे। मेरा यही सजेशन है, इसलिए आप इस शैम्पू को परचेस ना कीजिए। अगर आप किसी के ऐड या किसी का रिव्यू देखकर इसे परचेस करते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर
जरूर बताना। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैंने नायका पिंक फ्राइडे सेल से दोनों प्रोडक्ट को परचेस किया था। 700 इसकी प्राइस है। आई डोंट नो कि ये डुप्लीकेट है या फिर ओरिजिनल प्रोडक्ट है, बिकॉज मार्केट में बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट प्रोडक्ट अवेलेबल है, इसलिए कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं अपने आने वाली वीडियो को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ और आप लोगों तक अच्छे से अच्छी वीडियो को पहुँचा सकूँ और नॉलेज दे सकूँ। आप मेरी वीडियो से कितने सेटिस्फाई हैं प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।